मेरा दिल किया दर्शन करने को। मुझे पता चला था मैं सूरत आया, मैंने मैं दर्शन करूंगा। गरीब परिवारों के लिए काम करता हूं और जब पंजाब में आतंकवाद था तो गरीब के काफी बम खाए, जब लोगों को मारा जा रहा था और फिर पंजाब में कहते थे जो हिंदू समाज है वो पंजाब से चले जाते, खालिस्तान बनाएंगे, तो हमारे जैसे लोग आवाज उठाते थे, निकले थे लोगों को बचाने के लिए, तो फिर वो मारते थे सिखा बम्बो से उन्होंने शरीर खराब कर दिया। मेरे साथ बड़े पुलिस के जवान भी शहीद हुए, पानीशाला में गया, अभी दर्शन करके आया, चढ़ नहीं सकता पर हर थे छोटी भी चढ़ गया, सहारा लेके फिर आगे बढ़ने का मेरे भी हिम्मत नहीं है। तो जूनागढ़ भी गया था पर वहां हवा बहुत थी, वापस आ गया, जाता रहता हूँ सब कर्मों में रहता हूँ। समझ यह है कि जैन धर्म जो हमारे साधु संत आप जैसे उनको दूसरे लोगों समझ नहीं पाते कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किस लिए पैदल जा सकते हैं। जैसे जैसे हमारे लिए कोई बनती है ना, मैं उसको देख के बाहर हो जाता हूँ क्योंकि मैं उनके परिवार से जुड़ा हुआ, सिखी परिवार से जुड़ा हुआ, उनके आश्रम में मैं जाता हूँ, वहां से पता चला। तो अभी दिवाली को जब कार्यक्रम था हिंदी काफी बन गया था और वहां पता चला, फिर मैं कहा मैंने मैं दर्शन करूंगा, कल आया तो मुझे पता सूरत है दूर है, मैं जाऊंगा जरूर सारे कैंसिल करके। तो हमारे लिए ज्ञान है लोगों को, हमें ये बताना है कि मानवता क्या होती है और आप संत महाराज किस लिए घर बार छोड़ करके अपने लिए मानव के लिए देश के लिए है ना, तो वो लोगों को पता नहीं, हमें भी नहीं पता था। कई बार मिनिस्टर भी रहे, पावर में रहे, घूमते रहे, संत जा रहे हैं जा रहे हैं तो जा रहे हैं, जब हमें एहसास हुआ भी क्यों है कैसा है, तो फिर हमारा लगाव भी जो है ना वो उत्तर हो गए कि क्यों है संत, क्यों जाते हैं छोड़ते हैं पावर को। वहां जब गया मैं उधर पानीशाला गया तो आप जैसे महान संतों के दर्शन हुए, रस्ते में गाड़ियां जा रही है रुक जाते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, मुफ्त में आशीर्वाद मिल जाता है, मुफ्त में मिल जाता है, इतना ही रस्ते में उनको आज जोड़ता हूँ। मैं सफर करता हूँ लंबा, तो मेरे साथ जवान होते सबको बोला होता है कि भाई कहीं का तुम्हारा मिले मुझे उठा देने गाड़ी में उठा देते हैं, रुक जाता है उनको हाथ जोड़ देता हूँ, मंत्र पढ़ते आशीर्वाद देते हैं, बात तो समझ लेती है। एहसास मुझे तब हुआ, बड़े वर्ष की बात है कि मैंने पूछ रही है कि आपके पैर में क्या हुआ, ये बम किए सर, बम की जगह भी है बम मिले ना पग पर बम फिट नहीं। देखो पहले तो नहीं चल पाता था ट्रैफिक पे, अब ये जवान मेरे साथ रहते हैं ये मुझे सहारा दे देते हैं ना, ध्यान रखता हूँ, जैसे नीचे बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, पर मैं महसूस नहीं होता, उसकी बड़ी कृपा है। संत समारोह मिलता है, आगे संत का समागम भी मिलता है, सदगुरु का जो समागम मिलना चाहिए ये नहीं मिलता है, इसलिए भावना अच्छी नहीं रहती है लोग की, नहीं रहती, मांस मछली सब खाना पीना बस, हम हमें सुखी होना चाहिए, दूसरे को जो भी होना है वो साधु संत आपने इसलिए कहते कि हमारे पास वो मिलने भी ना आए, आएंगे गाड़ियों में आएंगे कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा, हम पहले ऐसे उत्तर हो गए, अब हम सुबह कई बार बरसात होती वॉक करते हैं अपने घर में तो कीड़ों पर झुंड नहीं करता, हमने ये सीखा हम भी वक्त नहीं जाते, हमें निकल जाते पहले दब जाते थे, अब नहीं आप निकल ले तो कुछ तो सीखा, कोई भी संत की बात ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। जैन धर्म यही मानती है
कि जो भी लोग भेजा इन्हें जहाँ जो भी अच्छा है वो हमारा है, ये हमारी मान्यता रही। माँ भी ने सिखाया है। जब पंजाब में बोलियां चलती थी ना तो जैन धर्म के हमने साधु साधु सब उनको परवाह नहीं थी बोलियों, वो अपने मिशन में थे, नंगे पांव चलते रहे, चला बोलने किसने चलानी उस वक्त की बात 47 की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं कर रहा हूँ 82, 81, 92 जैन धर्म अपने वैसे पांव अपने काली सड़क गर्म है शब्द है वो लोग 5 बजे के बाद जाते कोई नहीं निकल सकता वो उसने निकले रहते हमने आंखों से देखा और मेरे जैसे व्यक्ति को भी कितने वर्षों के बाद है ना हमें पता चला कुछ सालों में कि ये जैन धर्म की क्योंकि वो समाज से मैं बहुत जुड़ गया है ना जैन धर्म के परिवारों से बड़ा जुड़ा हूँ तो वो मुझे बुलाते हैं तो धीरे 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 कई बार जो और कौन से परिवार को जानते हो जैन परिवार को मैं मानचंद का परिवार उनकी जो बेटी है जानवी धारीवाल पुणे में जो रसिक है रसिक भाई हाँ, रसिक परिवार अभी उनकी जो शादी हुई जो बेटा था जो दामाद था उनके पिता की तरफ से मैं था ग्रामीण तरफ से वहां क्योंकि मालिक शादी तो रहे अब वो क्या करते हैं जो उनसे भी मेरे लगाव के कारण मैं इस तरफ चला वो क्या करते हैं कि जम्मू कश्मीर जाते हैं अपने किले में से खड़ा कर देते तो वहां फिर वो फौज की गाड़ियों में बैठ जाते हैं जबकि वहां बहुत खतरा है तो वहां स्कूल है बच्चों का स्कूल बनाते हैं उनकी एजुकेशन के लिए उनके अच्छे कामों के लिए अपने खून पसीने की जो भी कमाई होती है वो अपना योगदान डालते हैं वहां गांव के गांव ले लेते हैं वहां 5,000 लोग रहते हैं उनके पानी का काम करवा देते हैं अपने घर के तो ये चीजें जैन धर्म में हैं जैसे पावापुरी उनके परिवार के आश्रम में मैं रहता हूँ साल में 2-4 बार शांति के लिए चले जाता हूँ वहां तो वहां आप देखेंगे साढ़े पांच एकड़ का आश्रम है एक भी पत्ता नजर नहीं आएगा आपको खुद मन करेगा कि मैं यहाँ भगवान के बैठ जाऊँ एकांत ऐसे बैठ जाऊँ और क्या है 5 या 6 परिवार के भाई होंगे पर वो 7 या 6 परिवार के भाई ही जो बहुत बड़ी उदाहरण है अपनी जो भी उनका जो गुरु नानक देव जी कहते थे अपनी किरत कमाई से थोड़ा अच्छे काम में वो करके किसी से लेते नहीं और वहां वो सेवा करते और क्या है हमारे समाज के अंदर हमने इतना सा कर दिया हमने लगे लगा दिया हमने ये कर दिया पर एक परिवार एक होता ना कि 50 इकट्ठे हो जाओ फिर करेंगे एक ही परिवार लोगों को मैं जाता हूँ फिर हर जगह पे बोलने का मौका मिलता है तो स्कूल है ऐसे वो संतों का स्कूल था जिनके अंदर जब कहते पानी लेने गए फिर वो आए फिर उनके मैंने दर्शन किए तो उन्होंने अपना पांव ऊंचा कर दिया मैंने बाद में बेचारे पांव ऊपर क्यों किया मैं कहीं बोल रहा था स्पीच कर रहा था मैं कहा पांव इसलिए ऊंचा किया वो कहते जो तेरे पापा मुझे दे दे मेरे जो अच्छे कर्म है थोड़े से नहीं दिया ये पूछ रहे हैं मुझे कि आपको पैर में इतना सारा लगा है तो आप कैसे फिर अभी फाइट कर रहे हैं सबके साथ ये तो बहुत डिफिकल्ट बात है भगवान के रास्ते जैसे इनका विश्वास है भगवान के मेरा व्यक्ति में जब भी कुछ चीज सोचता हूँ मैं नहीं कहता मैं यहाँ देखिए भगवान के कृपा है आवाज अंदर से तेरी कृपा है दर्द होती है उसको प्रेम करता हूँ दूसरे दिन ठीक भी हो जाता हूँ भगवान मेरे सामने तो खड़ा हो गया वो तो अपने रंग दिखाएगा वो तो रंग दिखाएगा मैं ठीक हो जाता हूँ संस्कृति जो नरेंद्र मोदी के हिसाब से भावना बहुत अच्छी है इतना उद्धव आने के बाद भी इतनी गौरव कितनी बहुत अगर ये कहे कि मेरी है नहीं कृपा तो उसकी है तो आना और जैन धर्मों के बारे में समझना बहुत जरूरी है एक बार कोई भी संत मिल जाए तो उनके पास जैन धर्म के बारे में आपको समझना कि कितना व्याप्त है कितना उन्नत है कोई मेरे पास वीडियो आया परसों फेसबुक पे डाला सबसे पहली फांसी
आजादी के वक्त जैन धर्म की जैन धर्म और एक टोटरमल जैन थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो साहबजादे थे उनके लिए अरंगजेब का शासन था तो उनके माता जी और उनका जब नींव में चढ़वा दिया छोटे बच्चे थे ऐसे छोटे बच्चे चढ़वा दिए वो कहते हैं संस्कार के लिए जगह नहीं सिक्के ऐसे सोने के सिक्के ऐसे खड़े हो उनकी बॉडी के लिए 400 करोड़ उस वक्त उसने दिया और संस्कार माता जी बच्चे उसके बाद वो गुरु साहबान को मिलता है गुरु गोविंद सिंह की मैं गुरु जी बुलाते हैं उनको आशीर्वाद देते कहते कुछ मांगो मेरे से इतना एक ही मांगता हूं कि मेरी औलाद ना ये क्या मांगे मेरी औलाद ना इतना कि मेरे जाने के बाद कोई ये ना कहे कि मेरे पिताजी ने गुरु महाराज के साहबजादों के लिए ये किया था वहां सुभाष चंद्र बोस जी आए हुए वो जैन धर्म चलाता है स्कूल प्रताप के मामा शाह थे जैन धर्म ये आज नहीं इतिहास पुरानी संस्कृति वो आज जो इनके देवी परिवार है वो उसी रास्ते थे ऐसे कितने परिवार हैं जो इस रास्ते में मानिक धर्म का परिवार कहीं चले जाओ बड़े गेट लगे हुए वो परिवार एक दूसरे से दिल से जुड़े आप बताइए शादी बच्चे की मैं बेटे की उसके माँ बाप उसकी तरफ से हूँ और माँ जी से Why is that?